पिछले संडे का जो वीकेंड कवार था उसने इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया है सारे के सारे बिग बॉस के फैंस को ट्विटर पे अपलोड करने के लिए और सोशल मीडिया पे उसके बारे में चर्चा करने के लिए सेलिब्रिटीज को भी बहुत सारा माल मसाला मिल गया है और उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विदागी कर्णिक। देख रहे हैं आप फीफा फूज। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस आउट ना करें। नेहा भसीन का और जो अभिजीत बिचुकले है उनका जो फाइट हुआ था, उनका जो एकदम अगली फाइट हुआ था वीकेंड के बार पे, वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। जहाँ पे बिचुकले ने कुछ गंदी गंदी बातें भी कह दी थी, जैसे मैं मेरी स्टाइलिस्ट को, मेरी भाभीियों को बुला के तुझे टकला करवा दूंगा। दैट वॉज वेरी डी मीनिंग। और वहाँ पे हमने देखा है कि तेजा, उमर, प्रतीक एंड निशांत ने जो है स्टैंड लिया था नेहा के लिए, जिसके बारे में नेहा ने एक अप्रिसिएशन ट्वीट भी किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वीकेंड के बार के एपिसोड के बाद एक आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन किया था, जहाँ पे उन्होंने फैंस से पूछा था कि आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो वो पूछ लीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने यहाँ पे बैठी हूँ। तो उन्हें एक सवाल पूछा जाता है एक फैन की ओर से कि व्हाई डिडंट यू फॉट विद बिचुकले व्हेन ही सेड दैट ही आस्क हिज गर्लफ्रेंड्स टू बॉल्ड यू। जब बिचुकले ने कहा था कि वो अपने दोस्तों को, अपने स्टाइलिस्ट को, अपनी भाभियों को बोलेगा कि तुमने ऐसा किया है, वो आके तुम्हें टकला कर देंगी, ये जो बात बिचुकले ने तुम्हारे बारे में कही थी नेहा, तुमने वहां पे आवाज क्यों नहीं उठाया। तो उसके ऊपर नेहा जो है वो कहती है कि यू आर्ग्यू विद इक्वल्स नॉट विद क्लासलेस पीपल, आई स्टेटेड व्हाट आई हैड टू, व्हेन यू थ्रो स्टोन्स इन वेट मड यू डर्टी योर ओन फेस, ही शुड नॉट बी देयर एट ऑल, एस्पेशली वेन वाइल अदर क्रेडिबल प्लेयर्स आर एविक्टेड। नेहा जो कहती है वो कहती है कि तुम उन लोग के साथ आर्ग्यू करते हो, उनके साथ झगड़ा करते हो जो तुम्हारे इक्वल्स हैं, ना कि वो लोग जो क्लासलेस है। यहाँ पे उन्होंने बिचुकले को क्लियरली क्लासलेस कह दिया है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, जब आप जो पत्थर है वो गीले मिट्टी में फेंकते हो तो आप कहीं ना कहीं अपना ही जो फेस है उसे गंदा करते हो, तो वो मैं नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट बिचुकले वहाँ पे रहना डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि इतने अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी जो थ्रू आउट द गेम इतना अच्छा खेल रहे थे वो घर से बेघर हो चुके, लेकिन बिचुकले जैसा इंसान वो घर पे है तो मुझे तो उसके बारे में कुछ और कहना ही नहीं है। आप कितना अग्री करते हो जो भी नेहा ने है बिचुकले के बारे में जो कहा है चीज, क्या आपको भी लगता है कि बिचुकले का एविक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसके बदले किसी और प्लेयर को घर में रहना चाहिए था, वो प्लेयर ज्यादा डिजर्विंग है टू स्टे इन द हाउस, लेकिन बिचुकले को किस लिए रखा गया है? क्या उन्हें एंटरटेनमेंट कर रहे इसीलिए रखा गया है, कॉन्ट्रोवर्सीज कर रहे इसीलिए रखा गया है? What do you have to say about this? क्या आप यहाँ पे नेहा को सपोर्ट कर रहे हो या फिर बिचुकले को एक एंटरटेनर मानते हो? क्या है आपका पूरा कहना? जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स भेजिए और बने रहे हमारे साथ फीफा फूज पे। मिलती हूँ आपसे कुछ और देर में। टेक केयर, बाय बाय।